हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई तेरी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है या व्लॉग नहीं आया, तो मैं उन सबको बता दूं कि मैं आया हुआ हूँ नानी के यहाँ धामपुर। और जैसे ही मैंने ये बात अपने मैनेजर को बताई तो मैनेजर ने यही बोला कि भाई तेरी ऐश है, क्योंकि नानी जितना और दादी जितना कोई प्यार नहीं करता। और ये फैक्ट है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ ना मेरी अलग ही लेवल की खातिरदारी हो रही है। कभी सोया चाप, कभी चाप परांठा, कभी कबाब परांठा, कभी पिज़्ज़ा, कभी मोमोज, कभी कुछ। और मतलब ये फैक्ट है कि जैसे दामादों की ससुराल में होती है ना अपनी खातिरदारी, वैसी हम जैसे जो सिंगल होते हैं ना हमारी खातिरदारी होती है नानी के यहाँ। और मुझे वो भी टाइम याद है कि जब हम 45 डेज की हमारी समर वेकेशन पड़ती थी, तो हम 15 दिन के लिए पहले से ही सीन सेट था कि भाई नानी के यहाँ जाना है। काम वाम लेके आते थे, असाइनमेंट्स लेके आते थे, ये सोचते थे कि वहाँ करेंगे और यहाँ कुछ भी नहीं करते थे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं घुमाने वाला हूँ आपको सबको धामपुर। सुनने में यह है कि यहाँ पे एक है माइक्रो फैक्ट्री जो काफ़ी फेमस है, एक आपको रानी महल भी है, कोशिश करूँगा कि वो भी घुमाऊँ। और एक यहाँ पे ना कोई बहुत बड़ा क्लब है इनर व्हील करके, उनकी प्रेसिडेंट से हम मिलने की कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे हमें परमिशन मिल जाती है या वो हमें थोड़ा टाइम दे देती हैं, तो लेट्स सी कि हमें परमिशन मिलती है नहीं मिलती, तो देखते हैं आज धामपुर। तो अभी मैं लोगों से पूछ पाछ के वाली मैम के घर आ तो गया हूँ, अभी गेट पे कोई बेल तो नहीं है, अभी हम जाने वाले हैं अंदर। तो देखते हैं कि अगर वो हमें थोड़ा टाइम दे सके अपना, जिससे कि हमें थोड़ा धामपुर के बारे में पता चले। तो मैं अभी आ चुका हूँ उनके घर और मैं बजाने वाला हूँ बैल, होप कि वो हमें टाइम दे दें और शायद वो हमें मिल जाए घर पे। हेलो मैम, मैम मेरा नाम युगान अग्रवाल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सीमा सिंगल बोल रहे हैं? क्या मुझे आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? मुझे थोड़ा धामपुर के बारे में और क्या कहते हैं यहाँ पे क्या क्या फेमस है वो पता करना था, अगर आप हमें 5 मिनट दे देते तो। तो अब उन्होंने मांगे हमसे 5 मिनट। अब ये नहीं पता कि वो हमें 5 मिनट में मना करने वाली हैं या फिर अंदर बुला के हमसे बात करने वाली हैं, तो देखते हैं कि होता क्या है। तो मैम पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने जितने भी लोगों से पूछा है ना, सबने इनर व्हील के बारे में बताया है पहली बात तो, और ये काफी बड़ा क्लब है शायद धामपुर में, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि इनर व्हील क्लब है क्या और ये किस के लिए काम करता है? हाँ, इनर व्हील क्लब एक सामाजिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये महिलाओं के लिए, और इसमें सारी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और ये 100 कंट्रीज में फैला हुआ है और इसमें 1 लाख के करीब मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सुन के तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि जो लेडीज है वो जेंट्स के बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रही है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हो COVID-19 चल रहा है, तो इसमें आपने के क्लब ने क्या किया है और कैसे कैसे आपने स्टेप्स उठाए हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। इसमें क्या है, हमें हर वर्ष नई थीम मिलती है, उस थीम के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, और इस बार तो जो थीम हमें मिली है उसके साथ साथ ये जो महामारी फैली है हमारे देश में COVID-19 की, पूरे वर्ल्ड में ये हाहाकार मचा हुआ है, इसके लिए सबको अवेयर करना पड़ता है इसके लक्षण है और हमें इससे बचाव कैसे करना होता है। तो जैसे ही आपने बोला कि आप थीम पे वर्क करते हो, तो इस बार आपका थीम क्या है? इस वर्ष हमें जो मिला है थीम, वो मिला है होप का, HOPE, होप। यस यस, ओ नाइस। उनसे एच से बनता है हेल्थ एंड हाइजीन, और ओ से बनता है ऑर्फनेज और ओल्ड एज। अच्छा, ओल्ड एज पीपल्स जो। अच्छा, मैं समझ गया। पी से पैट्रिजन और ई से एनवायरमेंट, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो साथ साथ COVID-19 पे तो हमारा पूरा चल रहा है कि मास्क यूज करके ऐसे थ्रो कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। तो उसमें हमने यही सबको अवेयर किया है कि मास्क यू अगर हम डिस्कार्ड करते हैं तो उसको कैचे से काटे।
से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आप ये समाज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी जानना चाहूंगा कि जो ये आपकी सिटी है धामपुर, इसमें क्या क्या अच्छा है जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या क्या अच्छा है कि उनको यहाँ आके क्या क्या घूमना चाहिए, आप कुछ धामपुर के बारे में बताएं। धामपुर बहुत अच्छा शहर है। एक तो यहाँ के जो लोग हैं सब बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। ये मैंने सुना था कि यहाँ के लोग थोड़े दिल के अच्छे हैं। यहाँ जो भूमि आती है उनको देखो फ्रीडम है। यहाँ पे कोई महिलाओं के लिए नहीं है पाबंदियां हैं, किसे ढको ये ढको, मतलब इस चीज के लिए ओपन माइंडेड है यहाँ के लोग। और बहुत भूमों को अपनी बेटियों की तरह रखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। तो आप देख रहे हैं ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा शहर है तो लोगों की छोटी सोच है, आजकल लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनकी सोच भी बढ़ती जा रही है और लोगों की सोच भी बड़ी होती जा रही है। धामपुर में घूमने का क्या है? धामपुर में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक हैं। माइक्रो फैक्ट्री थी जो वहीदा रहमान जी की थी, एक्ट्रेस वहीदा रहमान। अच्छा, ओके। आपने और मैंने एक बात और सुनी धामपुर के बारे में, मतलब मुझे नहीं पता है सच है गलत, कि अमिताभ बच्चन जी की शादी में जो हलवाई गए थे वो धामपुर के थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ? ये बिल्कुल सच बात है कि अमिताभ बच्चन की शादी में उन्होंने जो पार्टी दी थी, तो यहाँ की एक फेमस है डिश दाल और कचरी। अच्छा, मूंग की दाल और कचरी। अच्छा। अभिषेक की शादी में यहाँ के हलवाई गए थे, यहाँ के हलवाई बहुत फेमस हैं। अच्छा, तो मतलब शहर छोटा हो या ना हो यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और मतलब बात करके अच्छा लगा। तो मेरी अभी अभी बात हुई है प्रेसिडेंट मैम से, जिनसे हम मिले थे कल, बट हुआ ये है कि जब वो फ्री हैं तो मेरा ऑफिस का वर्क है और जब मैं फ्री हूँ तो उनका कुछ क्लब का काम है, तो वो हमारे साथ तो नहीं जा सकती हैं। और मैंने कोशिश भी की है कि आपको माइक्रो फैक्ट्री या फिर शुगर मिल में घुमा सकूँ, बट मेरी उनसे बात हुई बट दे आर नॉट अलाउइंग अस, क्योंकि वहाँ पे कोविड पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। मैंने व्लॉग बनाना इसलिए शुरू किया था जिससे कि आप लोगों को घुमा सकूँ, ये सब चीज़ें दिखा सकूँ, बट इस समय माहौल ही ऐसा है कोविड 19 में कि हम बहुत ही ज़्यादा घूम पा रहे हैं और हमें परमिशन भी हर जगह की नहीं मिल रही है। बट मैं कोशिश करूँगा कि कल सुबह ज़रूर दाल, मूंग की दाल और कचरी खाने ज़रूर जाऊँ। एक तो यहाँ पे व्लॉग बनाना इतना मुश्किल है क्योंकि लोग हमें ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि हाथ में माइक होता है और फ़ोन होता है तो जैसे कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है वीडियो बनाना। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मूंग की दाल खाते हुए या कचरी खाते हुए ज़रूर दिखाऊं। और जब मैं बैंगलोर था हमने दोस्तों से पूछा था कि भाई तुमने कभी कचरी खाई है, तो यूज़ टू से कि भाई ये कचरी होती क्या है, तो मैं उनको बोलता था कि भाई अगर तुमने ये सब नहीं खाया तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा रहने का, क्योंकि जो मज़ा यहाँ पे रहने का और ये सब खाने का है ना वो अलग ही बात है। तो कोशिश करूँगा कि कल सुबह जाऊँ अपने मामी के बेटे के साथ और आप सबको ये दिखाऊँ। तो मैं सुबह 8 बजे आया हुआ हूँ मूंग की दाल खाने, और ये जैन वालों की मशहूर मूंग की दाल है और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है सुबह 8 बजे ही। You got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. और अब बारी थी फेमस कचरी की। Yeah, every time I come around you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset come. तो भैया आप ये बताओ कि आपका जो ठेला है कितने बजे से कितने बजे खड़ा होता है? 6:30 से 2:30 तक। और भैया यहाँ पे ये बताओ ये मूंग की दाल जो है कितनी फेमस है? तो नाश्ते के लिए। अच्छा, तो मैं
अभी खड़ा हूँ भगत सिंह चौक पे, जो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चौक है। यहाँ पे शाम को सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाया जाता है। आप देख सकते हो कि पीछे चारों तरफ सबसे ज़्यादा रश है, खाने पीने की शॉप्स हैं, ठेले हैं, और मैं जहाँ सुबह मूंग की दाल खाने आया था वो भी यही जगह है कि सब कुछ यहाँ मिलता है और सबसे ज़्यादा फेमस चौक यही है। और धामपुर की ये और अच्छी बात है कि जितने भी यहाँ पे चौक है ना वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे है, कभी महाराणा प्रताप, कभी भगत सिंह, कभी सुभाष चौक, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा फेमस चौक है, आप देख सकते हो। तो मैं अभी भी भगत सिंह चौक पे खड़ा हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ खैराती स्वीट्स एंड नमकीन की शॉप पे। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस मिठाई की दुकान है, बहुत ज़्यादा पुरानी। आप ये बताओ आपकी स्पेशलिटी क्या है? रसमलाई। अच्छा, और पंजी रसगुल्ला। हाँ, राजभोग। इसके अलावा मिठाई में जो है बालूशाही हो गई, बालूशाही है, सतगला, मिल्क केक, लखन। तो आप हमें एक रसमलाई खिलाइए। और आप ये बताइए कि आपकी दुकान को कितना टाइम हो गया? 100 साल से ऊपर वही लगभग 110 साल। अच्छा, 110 साल से। हाँ। और जैसे कोरोना चल रहा है तो इससे आपको कुछ असर पड़ा है? आपको लगता है कि व्यापारियों को फर्क पड़ा है इस पे? तेल जो है आधी से कमी है। अच्छा, 10% रह गई। 10% रह गई है। हाँ। तो इनका मानना है अंकल जी का कि कोरोना से फर्क पड़ा है, बट लोगों का यहाँ पे खाने पीने में उतना ही शौक है। तो अभी हम खाने वाले हैं रसमलाई, और देख तो अभी हमारी रसमलाई आ चुकी है और देखते हैं खाने में लगती कैसे है। अभी मैंने खाई है रस मलाई और वो इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप यकीन नहीं कर सकते। और ये धामपुर का सीन ही है, मतलब कि मिठाई में मूंग की दाल या कचरी आप जितनी खा लो उतनी कम है। और हम जैसे बनियों में तो क्या होता है कि मिठाई मतलब ऐसा लगता है कि नाश्ता ही हो रहा है, या खाने में भी चाहिए, डिनर में भी चाहिए। तो अगर आप कभी धामपुर आओ तो प्लीज़ यहाँ पर खैराती अंकल के यहाँ ज़रूर आना। ये बहुत ज़्यादा पुरानी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है और यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। मैंने आपको भगत सिंह चौक घुमाया था तो सोचा कि सुभाष चौक भी घुमा दूं, और ये मेरी वीडियो का आखिरी पार्ट है। और वीडियो को रिकॉर्ड करता मैं हूं आपका अपना युगांत अग्रवाल। तो मैं अभी खड़ा हूं सुभाष चौक पे, सोचा कि भगत सिंह चौक दिखाया तो आपको सुभाष चौक पे दिखा दूं। यहाँ से बस स्टैंड सिर्फ 200 मीटर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश रहता है। और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें पेंट की, बैटरी की, यहाँ पे सारे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड्स हैं। पीटर इंग्लैंड है आपका, रिलैक्सो है आपके पास, यहाँ पे आपके पास रेड चीफ है, और मतलब सारे ही ब्रांड हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा शहर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी इनका मतलब बैटरी और पेंट का, जब मैंने इनसे बात करी तो इनका भी बहुत अच्छे लेवल पर बहुत अच्छा काम है। तो ऐसा नहीं है कि छोटा शहर है तो छोटा यहाँ पे काम है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। और एक बात और, मैं इस समय बिल्कुल हाईवे पे खड़ा हूँ और इट्स टू टफ, क्योंकि यहाँ के छोटे शहर में ये तो होता है कि अगर आप व्लॉग बना रहे हो और आपके हाथ में कैमरा है या अगर हाथ में माइक है तो लोग ऐसा समझते हैं कि क्या हो रहा है, लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं। या मुझे बहुत टफ पड़ रहा था, बट मैंने आप सबके लिए पूरी कोशिश की है कि आपको जितना धामपुर घुमा सकूँ या जितना कैप्चर कर सकूँ, पूरी कोशिश की है कि वो सब कैप्चर हो जाए और आप मेरे नज़रिए से देख सकें कि छोटा शहर भी कुछ छोटा नहीं होता, बस लोगों के दिल में प्रेम होना चाहिए। तो होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने पूरी कोशिश किया कि जितनी मेरी यादें हैं धामपुर के साथ, जितनी भी नानी के साथ मेरी पुरानी मेमोरीज़ हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आपको भी अगर कुछ लगता है कि आपकी कुछ मेमोरीज़ आपको याद आई हो या जो भी आपको पार्ट वीडियो देख के अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ब्लॉग आगे शेयर बनाता रहूं, शेयर करता रहूं, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और दिल से अच्छी लगी हो तो शेयर। कौन था